मोगा दे विधायक डॉक्टर हरजोत कमल दी पहल कदमी उत्ते शहर दी प्रसिद्ध सड़क दा नामी बॉलीवुड दे प्रसिद्ध अदाकार सोनू सूद दे नाम उत्ते रखिया गया। इस नु अपना अते अपने परिवार दा सब तो वड्डा सम्मान करार दिंदे होए सोनू सूद ने विधायक डॉक्टर हरजोत कमल दा धन्नवाद कीता। इस संबंधी सोनू सूद ने एक वीडियो शेयर करके अपनी दिलो खुशी प्रगट कीती। मोगा तो भजन लाल दी रिपोर्ट, लाइव भारत। सत श्री अकाल। सारों पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार है मेरे हरजोत कमल भाजी का, मोगे शहर तो यू नो तो एक ऐसा लीडर जिसे सानू बड़ा प्राउड फील होंदा है। भाजी इदा ही तुसी रब तुहानू चढ़दी कला च रखे। मैं हमेशा कहना कि साडे शहर नू एक ऐसा फेस मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है जिदे लिए सानू प्राउड फील हो सके। तुसी हमेशा जदों भी किसी ने भी शहर दे विच तुहानू आवाज मारी है तुसी हमेशा सारे नू अगे खड़े हुए हो। आई थिंक दैट मेक्स यू द बेस्ट। भाजी पिछे मेरे मदर दी रोड दा तुसी उद्घाटन किया, उन्होंने एक नई दिशा दी, मैं हमेशा यू नो आई विल ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू यू कि तुसी उत्थे आए टाइम काट के और यू नो प्रोफेसर सरोज सूद रोड दा उद्घाटन होया अज शहर दे विच। मैं बड़ा प्राउड फील हुंदा, देश भर तो मैं बड़े लोगों के फोन आए, मैसेजेस आए। हुण भी हर थां ते ऐसा कोई देश का मीडिया नहीं है, चाहे वह तुसी कर्नाटका की गल करो, चेन्नई की गल करो, हैदराबाद होए, बेंगाल होए, कितने हर उन्होंने बड़ा सराहा है इस काम नू। एंड आई एम ग्लैड कि तुसी वो विजन रखा कि मेरे मदर जिन्होंने इन्हें लोगों नू पढ़ाया और उन्होंने सिक्ख्या लोगों नू दित्ती, अज उन्होंने नाम ते एक रोड है साडे शहर दे मोगा दे विच। और मैं यही कहांगा कि मैं वेट बड़ा कर रहा हां कि जल्दी असी दोनों भरा उत्थे पहुंची और उत्थे एक कमाल जी सैल्फी लेती है और देश भर नू भेजिए कि किस तरह यू नो जे सोच मिलती होवे और जे इच्छा सही होवे ते जिंदगी च कोई भी जंग जीती जा सकती। भाजी ही कहांगा हमेशा खुश रहो, हमेशा ऐदा ही लोगों का काम जिहड़ा हैगा हमेशा निपटांदे रहो, करदे रहो। और मैनू ही नहीं पूरे मोगे शहर नू हर एक पंजाबी नू तुहाडे ते फखर है हरजोत भाजी। गॉड ब्लैस यू विद लॉट ऑफ लक, हैल्थ, हैप्पीनैस। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, लव यू भाजी, सी यू वेरी वेरी सून। बेऔलाद जोड़ियां दे लई वरदान मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर, गर्भ दा ना ठहरना जिहियां बीमारियां दा शर्ती इलाज। चौदह से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, रहन सहन, इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50-60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।